करने वाली हूँ लिविंग लाइक सर्बियन डांसिंग लेडी फॉर ओवरनाइट चैलेंज। दुआ करना मेरे लिए सब। सर्बियन लेडी के बारे में आप सभी को वो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सर्बिया में एक लेडी को देखा गया है सुनसान रास्ते पर अजीब सी डांस करते हुए। कहानी की स्टार्टिंग यही से नहीं होती है, 2019 में एक लेडी देखी गई थी जो सेम ऐसे ही डांस करती हुई रास्ते पर घूम रही थी, फिर अचानक से वो गायब हो गई। उसके बाद 2023 में सर्बिया में और भी कई सारे जगहों में यही लेडी, एक ऐसी लेडी देखी गई है जो सेम ऐसी ही डांस करती हुई पाई गई है। और हाँ, अगर उस लेडी को कोई पोक करता है या फिर डिस्टर्ब करता है तो वो चाकू लेकर आपके पीछे भागेगी, और तब तक भागेगी जब तक वो आपके ऊपर चाकू से पर यार मुझे ये चैलेंज करने में इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि ये लेडी अभी तक इंडिया में नहीं आई है। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम सेम उसी की तरह सुनसान सड़क पे जाके ऐसे डांस करेंगे तो उसका बुलावा आ जाता है, उसका समन हो जाता है और वो यहाँ पे आ जाती है। मतलब सोचो अगर वो मेरी वजह से इंडिया आ जाती है तो मेरा छोड़ो आप सबका क्या होगा गाइस। खैर चलो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सर्बियन लेडी एक्चुअली करती क्या है। अरे क्या है, कौन वही है? अरे वही है तो। अरे ये पागल बना रही है। क्या पागल बना रही है, चल जाके देखते हैं। अरे नहीं नहीं मत जा। अरे मत जा, मत जा मत जा। अरे मत जा भाई, अरे भाई मत जा, चल जाके देखते हैं। अरे मत जा ना। अरे चल कुछ नहीं होगा, चल तू जा। अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा। अरे मत जा उधर पे। अरे मत जा मत जा मत जा। अरे मत जा, मत जा। भाई मैंने बोला था कि मत जा मत जा, तो मेरा बात नहीं सुनता। इधर रुक जाता हूँ। तो
गाइस अब देखना ये है कि अगर सर्बियन लेडी हमारे इंडिया के रोड पर आ जाए तो इंडिया के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगी, सर्बियन लेडी बनके रास्ते के एकदम बीच में खड़े होकर सर्बियन लेडी की तरह डांस करूंगी और देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है, मुझे देख के डर जाते हैं या फिर कुछ नहीं करते। अभी हम क्या है ना थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम क्या है ना थोड़ा सा सुनसान रोड ढूंढ रहे हैं ताकि किसी पर अटैक कर सके और वो एकदम से पूरा डर जाए, तो हम रोड चेंज करेंगे अभी कहीं और जाते थे। एक आदमी आ रहा है, एक आदमी आ रहा है। तो अभी हम एक और रास्ते पर आ चुके हैं और ये पूरा एकदम खाली है रोड और अभी बजे रात के 11, देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है मुझे देखकर। कोई नहीं आ रहा है अभी भी, मैं अकेले ऐसे कर रही हूँ। मैं यहाँ पर हूँ और वहाँ पर देखो गाइस हमारा एक कैमरामैन वहाँ पर है जंगल पे, वहाँ से छुप छुप के कैमरा कर रहा है। ओह नो। गाइस एक और रास्ते पे आ चुके हैं हम और ये जो स्वेटर है ये शिमला का है, ये इतनी गर्मी में ये पहन के मैं शूट कर रही हूँ, इतना ज्यादा गर्म लग रहा है क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। रास्ते पर कोई नहीं है, सर्बियन लेडी आप स्वयं प्रकट हो जाए और मेरा कत्ल कर दे, मुझे ऐसा लग रहा है यार, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। क्या डर गए? तो गाइस सर्बियन लेडी की जो स्टोरी है कुछ ऐसा ही है, तो हमें सच से नहीं पता है कि कितना सच्चाई है स्टोरी में। खैर चलो रात बहुत हो चुकी है, शूट करते करते हमारा 12 बज चुका है, अभी हमें घर जाना है और लिविंग लाइक सर्बियन लेडी भी हो गया हमारा, तो चलो अभी घर चलते हैं। और तुम लोगों को थैंक्स यार, ये लोग बहुत अच्छे से मर गए। चलो चलो घर चलते हैं, बहुत मजा। ओ गाइस अभी घर जाना है, सोचो गाइस इतनी गर्मी में इतना मोटा स्वेटर पहन के मैंने पूरा शूट किया सर्बियन लेडी का, हाँ मेरा तो गर्मी से हाँ क्या था। चलो जल्दी से घर चलते हैं। एक मिनट, अरे रुको, गाड़ी रुको, वो देखो, हाँ ये कौन है? एक मिनट, क्या है वो? सच में सर्बियन लेडी आ गई क्या? इंडिया में तो नहीं है क्या? कोई प्रैंक कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो देख के आते हैं। चलो चलो चलो, वो कौन है? सच में सर्बियन लेडी है क्या? मुझे तो लगता है। कौन हो?